मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल, कैमरामैन पुष्पा जायसवाल के साथ आज मैं हूँ गोवंडी के एक एरिया में। यहाँ पे भी एक कृत्य हुआ है 20 तारीख को, जहाँ पे एक कुत्ते की निर्मम हत्या की गई है। और ये न्यूज़ आज पूरे बॉम्बे में कई जगहों पे हो रही है, जहाँ पे हमेशा कुत्ते ही शिकार होते हैं इंसानों के अत्याचारों के। आइए हम देखते हैं उसे किस तरह से मारा गया है, उसके साथ में किस तरह से एक हसवे से उसकी हत्या की गई है। ये उस खूनी का घर है, हम लोग दिखाना चाहते हैं। और यहाँ से उस कुत्ते को जब उसने मारा है, उस पर हमला किया है, वो एक हाथ में हसवा लेके उसने इस जगह पे उसका खून किया है, कह सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में उस कुत्ते के ऊपर 3 बार वार किया गया हसवे से, और उसका पूरा अंदर का जो भी पार्ट्स था वो पूरा बाहर आ चुका था, उसकी उसकी सारी अथरियाँ वगैरह सब कुछ। आइए और देखते हैं कि वो ये निर्मम हत्या किस तरीके से की गई है। हम अब मिलते हैं गोवंडी के इस एरिया में कुछ लोगों से जो उन कुत्तों को फीड कराते थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इन बच्चों को दे रहे थे, इनको फीड करा रहे थे, और इनकी बस्ती में ये सब हुआ है। सर, मैं आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहती हूँ। मेरा नाम भाविक है, सम्राट अशोक नगर में रहता हूँ, गोवंडी स्टेशन से नज़दीक है, ईस्ट में। यहाँ पे सिद्धार्थ ब्रिज है और नया जो ये ब्रिज का नाम है ईस्टर्न फ्रीवे एक्सप्रेस हाईवे के बाजू में का एरिया है। सो 20th मार्च को ऐसा हुआ, मैं अर्ली मॉर्निंग मतलब 12 बजे उठ के यहाँ पे आया था, यहीं पे बैठा था मैं। हमारा एक कुत्ता है, पन्या नाम है उसका, तो यहाँ पे बैठा था वो इधर, और ऐसे ही मैं देखा उसको, थोड़ा सा लाड़ प्यार किया, तो वहाँ से एक कुत्ता आता है जो एक्यूज मनीष है, उसका कुत्ता आके वो लोग का झगड़ा हुआ इधर, तो यहीं पे झगड़ा होके मैंने थोड़ा छुड़ाना ट्राई किया वहाँ तक, थोड़ा आगे तक, और वो होने के बाद में फिर वो आता है सडनली, तो मैं मार रहा था दोनों को, ऐसा नहीं कि एक ही को मारो कुछ, तो दोनों को मार रहा था ताकि छूट जाए वो, पर नहीं छूटे। देन वो आता है बंदा, वो ये दिन का वक्त था या रात का वक्त था? मॉर्निंग 12 o'clock सुबह, हाँ तो अभी के टाइम पे सुबह में, तो ऐसा हुआ। फिर मैंने छुड़ाना ट्राई किया उसको, तो नहीं छूटे वो लोग, तो वो आके वो लोग को मारा, तो नहीं हो पाया उससे भी, तो वो घर पे गया। तो मेरा थॉट था कि ये लकड़ी वकड़ी लेके आएगा, उसको मारेगा, भाग जाएगा अपन, तो मेरे को ऐसा लगा, तो मैं वहीं से रिटर्न आ गया और यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि वो थोड़ा नशा वशा करते तो हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते थे वहाँ पे। तो मैं पीछे आने के बाद वहाँ पे से उसने वो कोयता वोयता लिया और फिर उसने मारना चालू किया, तो जब तक मैं पीछे था मेरे को पता नहीं चला, तो वहाँ पे उसने मारा। तो ये छोटी बच्ची है दिव्या, सो उसने देखा कि, तो वो लाइव उसने देखा वो सीन, तो उसने देख के फिर वो कोयता लेके मेरे सामने आता है और मेरे को बोलता है कि ये देख इससे मारा मैंने उसको। तो मैं वो देखा और वो एकदम खून से लथपथ था उसका कोयता, तो मेरे को थोड़ा डर लगा और मेरे को थोड़ा कॉन्शियस हो गया मैं कि यार क्या हो गया ये। तो मैं उसको चिल्लाया, थोड़ा सा मैं बड़बड़ किया उसको, और फिर मैं उसको देखने गया, तो उसको उठा के डायरेक्ट हम लोग हॉस्पिटल गए सेम टाइम। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा था। कौन से हॉस्पिटल में ले गए सर उसको उस वक्त? देवनार का डॉग लोग का हॉस्पिटल है देवनार में, इधर ही। यहाँ से कितनी दूर है? हार्डली 10 मिनट की दूरी पे, हाँ 2 किलोमीटर, 10-15 मिनट। आने के लिए आपको आधा घंटा मैक्सिमम गया? नहीं, वो सीन हुआ ना, मेरे को 2-3 मिनट यहाँ पे गया मेरा उसको झगड़ा करने में, फिर ये बच्चे लोग चिल्लाए के दादा खून खून खून, सो मैं वो पन्या के लिए भागा। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गया ना, तो उसका लीवर व्यूवर जो है अंदर का, वो पूरा बाहर आ गया था। सो मैं देख के एकदम डर गया, तो अभी क्योंकि मेरे को प्यार करता हूँ मैं उससे ना, तो कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं, तो मैं फटक से हाथ वाथ डाल के उसको उठा लिया। तो जैसे ही उठाया ना मैंने, उसका पूरा खून अंदर जो वो जख्म की वजह से जमा था ना, ऐसा उठाने के बाद पूरा मेरे को ऐसा खून खून हो गया, तो पूरा खून खून हो गया, उसका लीवर व्यूवर का स्मेल वेल आ रहा है, और वो जो सांस ले रहा था वो जख्म से लिटरली बाहर आया ऐसा, मतलब मेरे को लगा। तो मैं समझ गया कि नहीं शायद बच सकता है, तो मैं वैसे ही उसको कैसे कैसे हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी की है। तो एक फिर वैसे मैं पुलिस स्टेशन गया, ये लेडीज़ वेडीज़ मेरे को लेके गए मेरे साथ में,
तो पुलिस में वहाँ पे किया हम लोग ने FIR, तो सब सीन। और फिर आधे एक घंटे में फ़ोन आता है कि हो गया, वो डेथ हो गई उसकी। सर उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ वहाँ पे? हाँ, पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे, अभी सेम डे पे तो बहुत लेट हो गया था, सो नेक्स्ट डे हम लोग ने पोस्टमार्टम करे। पुलिस बोले थे 8 दिन में उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद कुछ देखेंगे। तो अभी 8 दिन कल ही हुआ है, सो पुलिस से कुछ अभी तक अपडेट नहीं है। अच्छा, पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई किस तरीके से की? मतलब पुलिस का रिस्पॉन्ड क्या था उस वक्त? बेसिकली पुलिस को भी आइडिया नहीं था कि ये मतलब कुत्ते के केस में करना है गया। अगर इंसान के साथ ऐसे होता है तो चलो ठीक है, हमको पता है तो वो कर देते, पर वो कुत्ते के लिए क्या करना उनको आइडिया था नहीं। तो थोड़ा टाइम लगा उनको वो सब समझने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट हुआ उनका। फिर वो सब होने के बाद पुलिस को पता चला, एक है एक मनीष करके, मनीष नहीं वो एक बंदा है ना, एक है डॉग डॉग फीडर है, हाँ नीरज, नीरज के कॉन्टैक्ट से उसको डॉक्यूमेंट्स मिले कि कैसे PM होता है, तो वो लोग का आइडिया मिला। फिर पुलिस यहाँ पे आई, पंचनामा करे ये लोकेशन पे वहाँ पे जहाँ पे हुआ, तो वो होने के बाद में फिर FIR रिपोर्ट, फिर उसका PM का जो भी है, फिर पुलिस ने सपोर्ट किया। मतलब FIR उसी दिन ली गई? लेकिन हाँ, सेम डे पे। ये हमारा इस तरीके का जो हमारे न्यूज़ ने कवर किया है, ये अपने आप में सेकेंड कवरेज है। और जिस तरह अंधेरी वेस्ट में हम लोगों ने एक चश्मदीद गवाह को सामने लाया था, शिवानी शर्मा को, आज इस केस में 3 चश्मदीद गवाह हैं ये बच्चे। और इन्होंने वो कृत्य होते हुए अपनी आंखों से देखा है कि उसने किस तरीके से उसकी हत्या की है। तो बेटा, आप लोगों का नाम क्या है? दिव्या। नंदिनी। श्रेया। आप लोगों ने उस दिन वहाँ पे वो देखा था अंकल ने जब डॉग के ऊपर वार किया था, किस तरीके से था? मतलब वो घर से आ गए और उसके हाथ उनके हाथ में कोयता था, और हम अपन है ना वो उधर खड़ा था, तो वो आके ना ऐसा मार रहा पर वो लगा नहीं। फिर दूसरे टाइम वो पन्या भाग के गए और वो उसके पीछे भाग के गए और उसको जोर से मारा। और फिर हम सीढ़ी पे, मतलब जब उन्होंने पहला वार किया वो बच्चा वहाँ पे खड़ा था, तो उसने फिर दूसरा वार किया। हाँ, फिर वो गली से भाग के गए। तो पहले वार पे उसके पीठ पे जब लगा तो वो उसे खून आया। हाँ। और सेकेंड वार जब किया तभी भी आया थोड़ा सा ज्यादा खून आया, फिर वो भागा ना, उसके लिए वो फट फट वो ऐसा पूरा हो गया। अच्छा, वो भागा, बच्चा भागा, तो वो उसके पीछे भागे। हाँ, और उसने मारा वापस, तो उसने मतलब मारा तो जो उसका टोकता ना वो सीधा घुसा दिया। अच्छा, उसने सीधा मारा, उसने सीधा मार के उसके बॉडी में वो घुसाया और वापस निकाल लिया, वापस निकाला जोर से। फिर वो बच्चा वहीं पे था या गिर गया था? मतलब कुछ चिल्लाया भी नहीं, भाग के गया। भाग के गया, चिल्लाया नहीं, भाग के गया। खून 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 था, वो गया ना भाग के, वहाँ खून खून था। आप लोगों को दर्द नहीं लगा इतना? लगा ना, लगा ना। हम सीढ़ी पे थे, वो कुत्ता उसका आया था ना, उसके लिए हम सीढ़ी पे चढ़ गए और फिर उसने मारा, फिर हमने देखा, फिर वो दादा को बुलाया कि ऐसा हुआ। देखिए, जो भी बच्चों ने अपने आंखों से देखा उन्होंने, वो डर गए थे और उन्होंने भाविक को बुलाया, और फिर आगे का जो भी था वो भाविक ने आपको बता ही दिया है। तो इस तरीके का ये बहुत अफसोस होता है सोच के, लोगों की सोच पे कि कहीं का गुस्सा या घर का टेंशन या लोगों की चिल्ल पुकार, ये सारी चीज़ें ये एक बेजुबान पे किस तरीके से और क्यों उतारते। मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल।